नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तमारुं स्वागत छे अमारी यूट्यूब चैनल सरस्वती एजेमां। मित्रों, जो तमे अमारी यूट्यूब चैनल में नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी तमने बीजा पेपरना सॉल्यूशन पण मळी रहे। मित्रों, विडियो पसंद आए तो लाइक करवानो भूलता नहीं। आज आपणे वात करीशुं धोरण सात हिंदी पेपर सॉल्यूशन। मित्रों, तमे जाते पेपर सॉल्यूशन कर चूक्या हशो, जे प्रश्न बाकी छे अने तमे अमारी यूट्यूब में जे तमे जवाब लख्या छे एने सरखावी शको छो केटला साचा छे के केम। तो हवे आपणे जोईशुं पेपर सॉल्यूशन, संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन नी वात करीशुं। तो मित्रों, धोरण सात नो हिंदी नो पहेलो प्रश्न छे के सही विकल्प चुनकर प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पहेलो प्रश्न जोईए, शब्दकोश के क्रम अनुसार दूसरे क्रम में कौन सा शब्द आएगा? दूसरे क्रम पे आएगा गर्व। बीजो प्रश्न छे, शब्दकोश क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनिए। बी आएगा आधार, आश्रय, गगन और प्रकाश। तीजो प्रश्न, दिनेश ने बहुत मिठाई खाई वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण आएगा बी बहुत। चौथो प्रश्न, गोख तीसरी कक्षा में बढ़ता है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण का कौन सा प्रकार है? तीसरी का विशेषण का प्रकार है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। बी आएगा सही जवाब। प्रश्न नंबर पाँच, पूरी टीम किसे ढूंढने में लग गई? तो उसका जवाब आएगा डी कप्तान। प्रश्न नंबर छः, सुनो मेरा हीरा गा रहा है वाक्य कौन बोलता है? ये जवाब सही आएगा ए पहली स्त्री। प्रश्न नंबर सात, धरती की शान काव्य के कवि कौन है? सी आएगा सही जवाब, पंडित भरत व्यास जी। आगे देखेंगे हम। आठ नंबर का प्रश्न छ, कल आने के चक्कर में उस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं, ये वाक्य कौन बोलता है? सही जवाब आएगा ए भिखारी। प्रश्न पहला नो ब, प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, गमे ते त्रण माथी बे लखवाना छे। पहलो प्रश्न छे, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? तो बेटी तितली बनकर बागों में घूमेंगी और हवा को चुनेगी, मस्त बनकर नाचेगी और गाएगी। बीजा नंबर प्रश्न छे, मनुष्य की मुठ्ठियों में क्या बंद है? तो मनुष्य की मुठ्ठियों में तूफान बंद है। तीजो प्रश्न छे, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? तो मित्रों, दरेकनी अलग अलग बनवानी इच्छा होय छे, तमे जे पण कहीं बनवा मांगता हो ये लखी सको छो। क, संक्षिप्त में उत्तर लिखिए, कोई पण बे तमारे तमारी बुक माथी शोधीने आ प्रश्नों जवाब लखवा पड़े, कारण के थोड़ा जवाब मोटा आवशे। प्रश्न नंबर बे नो ओ छे, ए पण तमारे बुक माथी लखवो पड़े। त्रीजो छे प्रश्न बीजानो ब छे, ढांचे पर से कहानी लिखिए। अहीं जे आपणने आपेला छे नाना नाना वाक्यना टुकड़ा, एना उपरथी आखी तमारे एक कहानी एटले के वार्ता जाते बनावानी छे। एना पछी क, प्रश्न के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए, आ पण तमारे तमारी बुकमांथी लखवा पड़शे। एना पछी ड, दिए गए वाक्य में से शब्द चुनकर नए वाक्य बनाइए। काजल ने देखा कि बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है। उदाहरण, बिल्ली कुर्सी के नीचे है। दूसरा वाक्य, बिल्ली रोटी खा रही है। बिल्ली रोटी खा रही है। तीसरा, काजल ने बिल्ली को देखा। काजल ने बिल्ली को देखा। आवी रीते तमारे वाक्य बनावना छे। एना पछी प्रश्न नंबर त्रण, अ, सूचना अनुसार लिखिए। पहलो प्रश्न छे, समानार्थी शब्द देखकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला ये रवैया है, उसका समानार्थी शब्द है मिजाज, और हम मूल शब्द के वाक्य में प्रयोग करेंगे। वाक्य लिखेंगे आप सभी, बापूजी ने बहुत समझाया पर रमेश ने अपना रवैया नहीं बदला। दूसरा शब्द है मिसाल, मिसाल का समानार्थी शब्द है उदाहरण, और वाक्य है गांव में लोग रामू और सामू की दोस्ती की मिसाल है।
एना पछी बीजो प्रश्न छे, विरुद्धार्थी शब्द देखकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है अमृत, उसका विरुद्धार्थी होता है विष। वाक्य में प्रयोग हम करेंगे, शंकर जी ने विष पी लिया था। दूसरा है वरदान, उसका विरुद्धार्थी है अभिशाप। दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। एना पछी आगळ जोईए तो त्रीजो छे मुहावरो का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू छे प्राण न्यौछावर करना, एनो अर्थ थशे जीवन समर्पित करना। सुभाष चंद्र ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बीजू छे अपने पाव पर चलना, एनो थशे आत्मनिर्भर बनना। प्रत्येक युवक को अपने पाव पर चलना चाहिए। त्रीजा नंबर छे लाखों में एक होना, तो एनो जवाब आवशे विशिष्ट होना। वाक्य गांधीजी जैसा नेता लाखों में एक होता है। इना पछी कहावत का अर्थ दीजिए। पहला खोदा पहाड़ निकली चूहिया, तो उसका अर्थ लिखिए अधिक मेहनत लाभ कम। दूसरा जिसकी लाठी उसकी पेश, सही जवाब लिखिए शक्तिशाली की ही जीत होती है। तीसरा दूर के ढोल सुहावने, सही जवाब लिखिए दूर से ही हर चीज अच्छी लगती है। एना पछी आगळ जोईए ब, एमा पण छे सूचना अनुसार कीजिए। लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहलू वाक्य लखो लड़का अपने घर गया, सही जवाब लिखिए लड़की अपने घर गई। दूसरा हिरन दौड़ रहा है, सही जवाब लिखिए हिरनी दौड़ रही है। बीजो छे वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला लिखिए घोड़ा दौड़ रहा है, परिवर्तन करके सही जवाब लिखिए घोड़े दौड़ रहा है। दूसरा मैं आज स्कूल नहीं गया, सही जवाब लिखिए हम आज स्कूल नहीं गए। एना पछी परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आज ये फकरो आपेलो छे, आ फकराने मात्र तमारे आपणी मातृभाषा एटले के गुजरातीनी अंदर तमारे अनुवाद करवानो रहेशे। प्रश्न नंबर चार का अ, जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो तमने पत्र लखता आवडतो ज हशे मित्र, एकदम सहेलो होय छे। तमारुं सरनामुं पछी तमे कोने लखो छो ए प्रति करीने एनुं सरनामुं पछी तमे शुं लखवा माँगो छो एटले के जन्मदिवसनी शुभकामना आपतो तमारे पत्र लखवानो छे, तो ये तमे जाते लखी देजो। एना पछी ब, सूचना अनुसार लिखिए। पहलू छे पदों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो अहीं बे वाक्य आपेला छे एना आડાવાળા શબ્દ થઈ ગયેલા છે, એને આપણે સહી જવાબ લખીએ। फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। दूसरा वाक्य का सही वाक्य लिखिए शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। एना पछी आगळ जोईए तो अहीं आपणने अलग अलग शब्दों आपेला छे, तो ए शब्दने आपणे हिंदीमां लखवाना रहेशे। पहलो प्रश्न छे हक, तो हिंदी में ही हक आएगा। जकात, जकात का होगा चुंगी, चुंगी। त्रीजू छे हस्ताक्षर, तो हिंदी में आएगा दस्तखत, दस्तखत। चौथू छे रोकड़ा, रोकड़ा ने कहेवाशे नकद। तीजू छे काल परिवर्तन करके फिर से लिखिए। पहलू वाक्य छे मंदिर में पूजा होगी,
भूतकाल में परिवर्तन हम करेंगे। सही लिखिए आप, मंदिर में पूजा हुई, मंदिर में पूजा हुई। दूसरा, मैंने पढ़ाई की, वर्तमान काल में परिवर्तन कीजिए, मैं पढ़ाई करता हूँ। एना पछी अहीं आपने चार वाक्य आपेला छे, वाक्य को शुद्ध रूप से लिखिए। पहलू वाक्य लखो साचू, सही वाक्य लिखिए, लड़की खेल रही है, लड़की खेल रही है। बीजू, मेरा घर चार पंखा है, सही वाक्य लिखिए, मेरे घर चार पंखे है। तीजू वाक्य लखो, मैंने टिकट खरीदी, सही जवाब लिखिए, मैंने टिकट खरीदा। चौथू, नीता रात दिन पढ़ता है, सही लिखिए, नीता रात दिन पढ़ती है। अगर छोकरी हो ले लो, लिंग परिवर्तन जो है आपने कई रीते चेंज करव पड़े। एना पछी आगळ जोईए तो प्रश्न नंबर पांच, पाठशाला की समय सारणी बढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कौन से विषय का ता सरोज आता है? तो जवाब लिखिए, गुजराती विषय का ता सरोज आता है। दूसरा का जवाब लिखिए, कौन से विषय का ता सप्ताह में एक ही बार आता है? तो शारीरिक शिक्षण का ता सप्ताह में एक ही बार आता है। दूसरे का आएगा, 17 मिनट का एक ही तास आता है। दो आएगा, चौथा प्रश्न छे, चित्र का तास कौन कौन से दिन आता है? चित्र का तास शुक्रवार और शनिवार का आता है। किसी एक विषय के बारे में 100 शब्द के निबंध लिखिए। तो निबंध पण तमारे जाते लखवाना छे, त्रण माथी गमे ते एक को। चित्र देखकर 8 वाक्य लिखिए। तो अँ चित्र आपेलू है, शू एनी अंदर तमने देखाय छे अने लोको शू कामगिरी करी रह्या छे ए तमारे जाते लखवानो छे। मित्रों, वीडियो पसंद आवे होय तो लाइक करवानो भूलता नहीं।